मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, इतने ऐसा पहली बार हुआ है इतने सारे केक्स है मेरे बर्थडे पे। बस मैंने सुंबुल कट नहीं किया, मुझे अच्छा लग रहा था ऐसे। मैं काट दे रहा हूँ। हाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक का दिन बहुत प्यारा जा रहा है, टच सब बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। 20 साल की हो गई मैं। क्या सरप्राइज मिला पूरे दिन की अगर हम बात करें? बहुत सारे गिफ्ट्स मिले मुझे, जैसे कि मैंने क्या दिया वो बता। सबने गिफ्ट दिए, इसने भी दिए, इसने तो बहुत प्यारा गिफ्ट दिया मुझे, इसने मेरे फोन में टेम्पर्ड ग्लास लगा के दिया क्योंकि वो टूट गया था, नहीं कुछ नहीं होगा, वो टूट गया था तो उसने वो लगा के दिया। पर फोन कवर्स भी दिए हैं दो मिशकात ने, तुझे बाद में बताता हूं मैं। मुझे पोलरॉइड कैमरा दिया है, पापा ने मुझे रोलर स्केट्स दिए, सानिया ने मुझे 3-4 गिफ्ट दिए, और दिया मैम ने मुझे बहुत प्यारा सा परफ्यूम दिया है। सुम्बुल अगर हम बात करें एट द एज ऑफ 20 यू आर अचीव सो मच, और भी आप अचीव करोगे, मैं गॉड से प्रे करूँ, बट हाउ डू यू व्हेन यू लुक बैक, काव्या हो गया, इमली हो गई या फिर बिग बॉस हो गया, इतना सारा प्यार जो आपको फैंस की तरफ से मिलता है एंड स्पेशली हाउ डू यू सी योर जर्नी? आई थिंक कि मेरी जर्नी बहुत ही धीरे धीरे ऐसे चली है, तो मैं कछुए की तरह ही रही हूँ एक्चुअली, एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि धीरे धीरे ही सही, पर अभी मैं जितना प्यार मुझे मिलता है, चाहे वो इमली के टाइम पे मिला, वो बढ़ता ही जा रहा है, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है, एंड मैं बस कोशिश करती हूँ कि बस ये प्यार बढ़ता ही रहे अभी हमेशा। एंड काव्या जैसा किरदार तो इट्स वेरी हार्ड एट द एज ऑफ 20 इतना मैच्योर किरदार मिलना। आपसे मैंने शुरुआत में पूछा था How do you see this character? It is very challenging for you. So, आप कुछ बताना चाहोगे? And the way people have accepted the character. Tell us something about Kavya. I think कि हाँ, Kavya बहुत ही different है. Kavya बहुत difficult तो है ही of course, because ऐसा मैंने character पहले play किया नहीं है. So, पर जितनी खूबसूरती से character लिखा गया है कि मुझे मेहनत करनी पड़ी, पर एकदम बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा क्योंकि मेरे लिए काफ़ी चीज़ें बनी बनाई थी, पर मुझे एक्चुअली मज़ा आ रहा है क्योंकि मुझे चैलेंज कर रहा है, तो चैलेंज में मज़ा आता है। एक्चुअली द थिंग इज दैट काव्या जो करेक्टर है ना, वो सुम्बुल बिल्कुल भी नहीं, एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब जितनी रिस्पॉन्सिबल काव्या उतनी ये गिरती पड़ती रही। सॉरी, तो इफ़ शी इज़ डूइंग इट सो ब्राइटली, दिस मीन्स दैट शी इज रियली गिविंग हर एनर्जी एंड शी इज रियली वर्किंग हार्ड। केक बहुत अच्छा लगा तुझे, इतने पहली बार तारीफ की है मेरी सच में, थैंक यू यार। अरे दो लाइनें और बोलनी थी, स्क्रिप्ट का है बोल। अरे यार अभी तूने धंधा कर दिया। हां तुझे, यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। या ओके व्हेन ओके, आप थोड़ा बोलिए, एक दो चार पांच और, ये सात होना चाहिए। व्हाट डू आई से, मैन इसका 20th बर्थडे एंड दिस इज ऑलरेडी अचीव सो मच, एंड आई होप इट डजंट गो टू अ हेड बिकॉज़ द स्काई इज द लिमिट फॉर हर ऑनेस्टली, एंड या आई थिंक शी कैन डू व्हाट एनी अदर एक्टर इन द कंट्री कैन डू, give her an opportunity easily and probably even better than that. I think it's very genuinely, not to flatter her. So I think she should just keep her head down, keep her ears shut and have blinkers on her eyes and just keep going forward. Sumbul, ek aakhri sawal mere end se, jis tarah daddy ne surprise diya, aapki puri family yahan hai, log aapki jo family, extended family ko itna pyar karte, especially the young one, what would you like to say about that? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बस सच्ची बताऊँ तो कभी कभी समझ नहीं आता है कि खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि अभी बोलूँगी तो शायद वो खुशी जितना एक्सप्रेस करना चाहती हूँ उससे कम हो जाएगी, तो मैं बोलती ही नहीं हूँ, मुझे इतना अच्छा फील होता है कि मैं कभी कभार बोल ही नहीं पाती हूँ, एंड बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन, बहुत अच्छा जा रहा है। पापा के लिए क्या बोलूं, जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। पापा ने तो अभी जितना दिल लगा के आज का मेरा बर्थडे, पापा कल भी आए थे इनफैक्ट सेट पे, आई थिंक रेकी करने के लिए आए थे, उन्होंने पूरा देखा है कहाँ पे खाना खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और हर एक चीज़ पापा ने जिस तरीके से प्लान किया है कि मुझे इस बार बिल्कुल ही प्रेशर नहीं लेना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ मेरे बर्थडे का कि कैसे होगा, इस बार मैंने कुछ नहीं, मैंने बस छोड़ दिया, तो पापा ने अपनी मर्जी से जो उन्होंने को लगा सही उन्होंने किया, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा बर्थडे बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।